आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 602वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं अशोक चौहान जैसे नेताओं की पर कांग्रेस आलाकमान की क्या राय है। कांग्रेस के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं बज गई है? जो कुछ घटनाक्रम घट रहे हैं, लगातार उन घटनाक्रमों पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो नाटकीय, तो उसे आप मान सकते हैं कि तो कांग्रेस के लिए वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता एक के बाद एक जिस तरह कांग्रेस की वर्तमान विचारधारा को छोड़कर जा रहे हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कांग्रेस के आला नेता जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को कुछ गलत लोगों ने घेर लिया, उनके सलाहकार कुछ गलत लोग हो गए हैं जो उन्हें सलाह दे रहे हैं। वे सलाह जो सलाह उन्हें दी जा रही है वो सलाह कांग्रेस के हित की नहीं, क्योंकि जो परिणाम सामने आपके आ रहे हैं, इस साल अप्रैल या मई कभी भी चुनाव हो सकते हैं, फरवरी आधा बीत चुका है। 2014 से लगातार भाजपा सत्ता में है और देश पर आधी सदी से ज़्यादा राज करने वाली कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है। इस बार अगर कांग्रेस को केंद्र में सफलता नहीं मिलती है, विफल हो जाती है, तो आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत कष्ट वाला भी हो सकता है, कष्टकारी भी साबित हो सकता है। जिस तरह कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो रहा है वो अच्छे संकेत कतई नहीं माने जा सकते हैं। एक के बाद एक कर कांग्रेसी नेता पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं और अन्य दलों की ओर रुख कर रहे हैं, ये सबके सामने है। सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। सियासी गलियारों में ये चर्चा चल रही थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ लिमिटेड की लालटेन के पिछले एपिसोड में भी हमने बताया था कि वे भाजपा में जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी। हुआ भी वही, मंगलवार को अशोक चौहान भाजपा के हो गए। अशोक चौहान के साथ एक उनके बड़े करीबी MLC अमर राजुलकर ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। माना जा रहा है कि अशोक चौहान के भाजपा में जाने के बाद कुछ और विधायक कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं, भाजपा या किसी अन्य दल में जा सकते हैं। ये चर्चाएं भी अब सियासी बिहावान में, सियासी गलियारों में होने लगी है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के खाते में इस बार जो भी राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस का कलश रीता रह जाएगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा की जितनी सीटें उनसे जीतनी थी वो तो जीती, एक अन्य सीट जीत ली थी, उस वो इतिहास एक बार फिर दोहराया जा सकता है। कहते हैं राजनीति की एक लाइन में परिभाषा, जिस नीति से राज हासिल हो वो राजनीति है, वही होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने पहचान उजागर ना करने की शर्त पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि अशोक चौहान को राज्यसभा के जरिए केंद्र में ले जाने का ताना बाना ही अशोक चौहान के कांग्रेस से मोह भंग का मुख्य आधार था। इसका सीधा तात्पर्य यह भी लगाया जा सकता है कि अशोक चौहान ने इसके पहले केंद्र में जाने की अपनी मंशा से कांग्रेस के आलाकमान को अवगत कराया होगा, निश्चित तौर पर कराया होगा। पर अशोक चौहान जैसे नेता को कम से कम लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस में रोक के रखना था। अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं इसका असर बहुत गलत पड़ सकता है, इसके लिए उन्हें राज्यसभा से भेजा जाना जरूरी था, तो भेजा जाना चाहिए था। पर अब बाजी कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है। महाराष्ट्र प्रदेश में राज्यसभा का गणित सीधा सा है, वर्तमान में वहां 6 सीट हैं, इसमें से आधी अर्थात 3 सीट भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना परचम लहराएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसमें बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में भाजपा है 3 सीट्स में, एक सीट NCP अजीत पवार वाली NCP और एक शिंदे सेना के खाते में अगर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एक सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया जा सकता है, कांग्रेस अपना परचम एक सीट पर लहरा सकती थी। अब अशोक चौहान भाजपा में जा चुके हैं,
भाजपा के कुछ समर्थक भाजपा में जाते हैं या कांग्रेस छोड़कर जाते हैं, तब उस सीट पर, जिस सीट पर कांग्रेस विजयी हो सकती थी, उस सीट पर अशोक चौहान को भारतीय जनता पार्टी उतारकर एक तीर से कई निशाने साध सकती है। राजनीति इसी को कहा जाता है। कांग्रेस से नेताओं का मोह भंग आखिर क्यों हो रहा है, शोध का विषय है। ये जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, वहाँ की रीति नीति कार्यप्रणाली कांग्रेस से बहुत भिन्न है, बावजूद इसके कांग्रेस से भाजपा की ओर रुख करने वाले नेताओं, जाहिर है उनकी पानी उनकी नाक तक आ चुका होगा, इसलिए वे कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, अन्यथा कांग्रेस छोड़कर जाने की बात भी सपने में भी नहीं सोचते। कांग्रेस आला कमान के सलाहकार जब तक अहमद पटेल रहे, तब तक काफी हद तक समन्वय बना वहां दिखाई देता था, पर अब तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिसे कांग्रेस में रहना है रहे, जिसे कांग्रेस से जाना हो जाए। दो टूक शब्दों में कह रहे हैं, इस तरह पार्टी शायद नहीं चलाई जाती। राहुल गांधी की इस बात को क्या समझा जाए? सियासी गलियारों में राहुल गांधी की इस बात को अगर इस तरीके से लिया जा रहा हो कि कांग्रेस के आला नेताओं को अब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की दरकार है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर इस तरीके से लिया जा रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था। पता नहीं राहुल गांधी के सलाहकार कौन है, उन्हें कौन सलाह दे रहा है, और वे जो भी सलाह राहुल गांधी को दी जा रही है, वे उन मशवरों पर आंख बंद कर अमली जामा उन्हें पहना रहे, यकीन कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर, कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस का जहाज धीरे धीरे अगर रीत जाए, खाली होता जाए, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछले एक दशक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो अशोक चौहान कांग्रेस के 9वें मुख्यमंत्री, 9th चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। अब तक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में 10 मुख्यमंत्री शामिल हो चुके हैं, जिसमें से महज एक ही मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं, गिरधर गोमांग, जो कांग्रेस में वापस आए हैं। अशोक चौहान मराठवाड़ा क्षेत्र के बड़े नेता हैं और मराठवाड़ा में उनका खासा प्रभाव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अशोक चौहान को अगर राज्यसभा से नहीं भेजा जाता तो उन्हें नांदेड़ लोकसभा से मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती, और नांदेड़ से वो इसके पहले सांसद भी रह चुके हैं। अशोक चौहान को राज्यसभा से भेजा जाएगा या लोकसभा से मैदान में उतारा जाएगा, यह फैसला तो आला कमान के पास सुरक्षित हो चुका होगा। पर एक बात तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में अशोक चौहान एक बड़ा नाम है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से कम डेढ़ दर्जन अर्थात 18-20 सीटों से ज़्यादा जगहों पर महाराष्ट्र में अशोक चौहान का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अशोक चौहान बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा के द्वारा कांग्रेस को अलविदा कहने से सूबे में कांग्रेस अब आने वाले समय में ICU में भर्ती दिखाई दे, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के बाद अन्य नेताओं को भी इस पूरे घटनाक्रम से बल मिलेगा और वे पार्टी को टाटा बाय बाय कहने का साहस जुटा सकेंगे। देखा जाए तो ये पहली दफा नहीं हुआ जबकि कांग्रेस को आम चुनाव के पहले इस तरह का झटका सहना पड़ा हो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। पंजाब, अगर पंजाब को सूबे का देखें तो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच अनबन के चलते अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को टाटा कहा। कर्नाटक के निजाम रहे SM कृष्णा कांग्रेस छोड़कर गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी कांग्रेस छोड़ के गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कांग्रेस छोड़ के गए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे गिरधर गोमांग कांग्रेस छोड़कर गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे और उसके बाद अब अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर गए। इसमें गिरधर गोमांग जी इकलौते ऐसे रहे हैं जिन्होंने पार्टी में अपनी वापसी दर्ज कराई, वे पार्टी में वापस लौट के आए। बहरहाल राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन बृहस्पतिवार 15 फरवरी को दाखिल किए जाने का अंतिम दिन है। महाराष्ट्र सूबे में
कि अगर बात की जाए महाराष्ट्र के, हम आपको सिनेरियो दिखाएं परिदृश्य क्या है, तो महाराष्ट्र में कुल 285 विधायक हैं। इस लिहाज से राज्यसभा के प्रत्येक प्रत्याशी को 42 वोट की दरकार होगी। इंडिया गठबंधन को अगर बात, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सूबे में उसके पास 44 विधायक हैं। महाराष्ट्र के उद्धव गुट के हाथ में 16, शरद पवार के पास 11, एनडीए में भाजपा के पास 104, शिंदे के हाथ में 39, अजीत पवार के पास 44 विधायक हैं। तस्वीर 15 फरवरी के बाद ही काफ़ी हद तक साफ होने की उम्मीद है। यक्ष प्रश्न यही है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं रहेगी तो कार्यकर्ताओं का उदर पोषण, कार्यकर्ताओं के उदर पोषण के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी। ये बात जाहिर है कि जब पार्टी की सरकार होती है तो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को घोषित अघोषित, प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर काम मिलता है, रोजगार मिलता है, और कहीं ना कहीं उनके लिए ये आजीविकोपार्जन का आधार भी बन जाता है। केंद्र में 10 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। राज्यों में अगर देखा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में, जो 29 प्रदेशों में अगर राज्य में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और कर्नाटक में सिद्धरमैया। सिर्फ 3 स्टेट आपके पास बचे हैं, 3 राज्य बचे हैं, इस पर विचार करना होगा। कांग्रेस की सरकार सिर्फ 3 जगह कैसे बची, कांग्रेस के आला नेताओं को विचार करना होगा कि 10 सालों में आखिर ऐसी कौन सी नीतियाँ अपनाई गई हैं, ऐसे कौन से तरीके अपनाए गए हैं जिसके चलते 29 राज्यों में से कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में, वो भी अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में सिमट कर रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 602वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आप इसे अगर देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 603वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।